Jamiatul Muflihat and Pala Group of Schools towards success in dunya and akhirah. Admissions open. Assalamu alaikum adab, main hu Abdul Qadir. आइए 17 अक्टूबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। गजा को जीतनी होगी जंग। इसराइली मजालम पर रो पड़े अमन का नोबल इनाम जीतने वाले तोशियुकी मिमाकी अपने अवार्ड पर अश्कबार आंखों से कहा, मैं हैरान हूं कि गजा और इसराइल में जंग बंदी के लिए काम करने वालों के बजाय ये अवार्ड मुझे दिया गया, जबकि ये अवार्ड के हकदार वो है। इसराइल से गजा में वहशियाना हमले बंद करने की अपील की। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल का दोस्त मुल्क इटाली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कर सकती है लेबनान का दौरा। लेबनान में अक़्वामे मुत्तहिदा के मिशन पर इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की। वहीं इसराइल को दिया बड़ा झटका, हथियारों की बरामदात पर लगाई सख्त पाबंदी। इसराइल से दूर हो रहे हैं उसके अपने ही दोस्त। इसराइली पीएम नेतन्याहू और फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। मैक्रॉन की अब इसराइल पर सख्त तनकीद। अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदादों की बार बार खिलाफ वर्जी पर इसराइल से वाज़े कहा, इसराइल का क़याम और वजूद अक़्वामे मुत्तहिदा करारदाद का ही मरहून मिन्नत। हिंदुस्तान पर बेतु के इल्ज़ाम लगा रहे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का झूठ हुआ उजागर। खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल मामले पर जस्टिन ट्रूडो का एतराफ़, उनकी हुकूमत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जब इब्तिदा में हिंदुस्तान पर निज्जर के कत्ल में मुलविस होने का लगाया था इल्ज़ाम। भारत में कानून अब अंधा नहीं रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचौड़ की हिदायत पर सिंबल ऑफ जस्टिस कानून की देवी की आँखों से हटा दी गई पट्टी। इंसाफ की देवी के नए मुजस्मे में हाथ में तलवार की जगह दिया गया आईन। CGI ने कहा, मुजस्मे के हाथ में आईन, ये पैगाम है कि मुल्क आईन के मुताबिक करता है इंसाफ। असम साबिक MP मौलाना बदरुद्दीन अजमल का वक्फ तरमीमी बिल पर बड़ा बयान। कहा, वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई है हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की नई इमारत। वक्फ बिल पर कानूनी लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के दावे पर BJP ने उन पर खुशामद की सियासत करने का लगाया इल्ज़ाम। NCP कायद बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस की तहकीकात में मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली 3 पिस्तौल कर ली बरामद। एक ऑस्ट्रेलवी साख्ता ग्लॉक पिस्तौल और दूसरा तुर्की का बना हुआ पिस्तौल। पुलिस भी हैरान, वाकई से चंद रोज़ कबल शूटरों को पहुँचाए गए थे हथियार। 370 करोड़ के मुबैना स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को मिल गई क्लीन चिट। ED की तहकीकात में बेकसूर हो गए साबित। साबिक YSR दौरे हुकूमत में CID तहकीकात के बाद स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को गुज़िश्ता साल किया गया था गिरफ्तार। क्या BRS महाराष्ट्र के इलेक्शन मैदान में उतरेगी या पार्टी अपने मौजूदा मौकूफ़ को रखेगी बरकरार। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के साथ ही उठने लगे सवालात। खयासारियां जारी है कि KCR दोबारा खबरों में वापस आएंगे और महाराष्ट्र इलेक्शन पर देंगे अहम रिमार्क। तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले IAS अहदेदारों को आंध्र प्रदेश रिपोर्ट करने के मरकजी हुकूमत के अहकाम। तेलंगाना में जिन अहदेदारों को उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया उनकी जगह नए अहदेदारों की तैनाती। अमरापली कता भी आंध्रा मुंतकिल। मिनिस्टर KLM भर्ती बने GHMC कमिश्नर। ये थी टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Jamiatul Muflihat and Fala Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hafs, Diniyat and Alimiyat. Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last minute rush as the seats are limited.